हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम ट्रेना यूट्यूब चैनल। एग्ज़ाम ट्रेना यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं डेली करंट अफेयर्स शो की, और डेली करंट अफेयर्स के शो में आज हम देखेंगे 30 जनवरी 2020 के क्वेश्चनों की, जो कि टॉप 10 क्वेश्चन होगा। और ये टॉप 10 क्वेश्चन आपके सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। ये सभी क्वेश्चन आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिलेंगे। तो प्लीज़ आप हमारे इस एग्ज़ाम ट्रेनर यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि जो भी वीडियो हम आपके लिए अपलोड करें आपको इसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के पास इसे ज़रूर शेयर भी करें। और इस करंट अफेयर्स का आप जो है PDF डाउनलोड कर सकते हैं, हमारे इस वीडियोज़ के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जो है डाउनलोड कर सकते हैं PDF। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि सरकार का 2022 तक कितने गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा पैदा करने का लक्ष्य रखा है। हाउ मेनी गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी हैज़ द गवर्नमेंट सेट अ टारगेट ऑफ जनरेटिंग रिन्यूएबल एनर्जी बाय 2020। 100 गीगावाट, 150 गीगावाट, 175 गीगावाट और 200 गीगावाट। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 175 गीगावाट जो है सरकार ने 2022 तक लक्ष्य रखा है कि 175 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा पैदा करने का लक्ष्य रखा है। अब इसके सी आंसर आपका सही है, 175 गीगावाट। डिटेल्स की बात कर लेते हैं, तो सरकार का 2022 तक का 175 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा पैदा करने का लक्ष्य है, और सरकार ने विश्व में कम कार्बन उत्सर्जन की अर्थव्यवस्था को विकसित करने के लिए 2022 तक 175 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा पैदा करने का लक्ष्य रखा है। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान योजना कुसुम के माध्यम से किसानों को ऊर्जा उत्पादक के रूप में सशक्त बनाया जा रहा है। ये था इसका डिटेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जो कि दूसरा नंबर क्वेश्चन है, सेकंड नंबर क्वेश्चन है, इस राज्य की झांकी 2020 के गणतंत्र दिवस परेड की सर्वश्रेष्ठ झांकी चुनी गई है। विच स्टेट टेवल्यू हैज़ बीन सेलेक्टेड द बेस्ट टेवल ऑफ द रिपब्लिक डे परेड ऑफ 2020। असम, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, असम राज्य की झांकी 2020 के गणतंत्र दिवस परेड की सर्वश्रेष्ठ झांकी चुनी गई है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। डिटेल्स की बात करें हम, तो असम की झांकी इस साल यानी 2020 में 26 जनवरी को 2020 में गणतंत्र दिवस परेड की सर्वश्रेष्ठ झांकी चुनी गई, और गणतंत्र दिवस परेड 2020 में असम की झांकी को पहला स्थान मिला, जिसमें राज्य की अनूठी शिल्प कला और संस्कृति को दर्शाया गया था। दूसरे स्थान पर ओडिशा और उत्तर प्रदेश की झांकियाँ रहीं। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और जल शक्ति मिशन की झांकियों को मंत्रालय और विभागों की झांकियों में श्रेष्ठ माना गया है। परीक्षा की दृष्टि से बात करें, तो असम राज्य की राजधानी है दिसपुर, और मुख्यमंत्री है सर्वानंद सोनेवाल, राज्यपाल है प्रोफेसर जगदीश मुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम, तीसरे क्वेश्चन की, अमेरिका में भारत के नए राजदूत कौन होंगे। हु विल बी इंडियाज न्यू एम्बेसडर इन अमेरिका। नीलेश कुमार, संजय वर्मा, तरनजीत सिंह संधू और हर्षवर्धन श्रृंखला। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, तरनजीत सिंह संधू जो है अमेरिका में भारत के नए राजदूत होंगे। डिटेल्स की बात करते हैं हम, तो संधू होंगे अमेरिका में भारत के नए राजदूत। श्रीलंका में भारत के नए राजदूत तरनजीत सिंह संधू को अमेरिका में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। ये वे हर्षवर्धन श्रृंखला का राजस्थान लेंगे, और श्रृंखला नए विदेश सचिव के रूप में कार्यभार ग्रहण करेंगे। परीक्षा की दृष्टि से बात करें, तो संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन DC, और राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप। मुद्रा यहाँ का अमेरिकी डॉलर, और एक US डॉलर में 70 इंडियन रुपीस होता है। तो ये इसका डिटेल्स था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जो कि चौथा क्वेश्चन है, देश का पहला एनिमल वार मेमोरियल कहाँ खोला जाएगा। वेयर विल द कंट्रीज फर्स्ट एनिमल वार मेमोरियल बी ओपेंड। इंदौर, मेरठ, जयपुर, त्रिचूर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मेरठ में जो है देश का पहला एनिमल वार मेमोरियल खोला जाएगा। अब इसके रिजल्ट्स की बात करें, तो मेरठ में खोला जाएगा देश का पहला एनिमल वार मेमोरियल।
भारत सरकार उत्तर प्रदेश के मेरठ में जानवरों के लिए युद्ध स्मारक यानी वार मेमोरियल फॉर एनिमल्स स्थापित करने की योजना पर विचार कर रही है। यह देश का पहला एनिमल वार मेमोरियल होगा और इस स्मारक का निर्माण मेरठ के रिमाउंट एंड वेटरनरी कॉर्प्स आरवीसी सेंटर एंड कॉलेज में किया जाएगा, जहाँ कुत्तों खच्चरों और घोड़ों की जबाज कैटल यानी नस्ल को प्रशिक्षण दिया जाएगा। ये इसका डिटेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें जो कि आज का पांचवा क्वेश्चन है, भारत की पहली जलमग्न मेट्रो कहाँ शुरू होगी? वेयर विल इंडियाज फर्स्ट सबमर्ज्ड मेट्रो स्टार्ट? हैदराबाद, कोलकाता, गोवा, मुंबई। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कोलकाता में। कोलकाता में भारत की पहली जलमग्न मेट्रो शुरू होगी, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। डिटेल्स की बात करते हैं तो कलकत्ता में शुरू होगी भारत की पहली जलमग्न मेट्रो। भारत की पहली जलमग्न यानी अंडर वाटर मेट्रो का निर्माण हुगली नदी में किया जा रहा है और यह परियोजना मार्च 2020 तक पूरी हो जाएगी। हुगली मेट्रो देश की सबसे पुरानी मेट्रो में से एक है और इसकी शुरुआत 1984 में हुई थी। तो ये इसका डिटेल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें जो कि छठवां क्वेश्चन है, भारतीय बैंक एसोसिएशन के नए सीईओ कौन बने हैं? वो हैज़ बिकम द न्यू सीईओ ऑफ इंडियन बैंक्स एसोसिएशन। अतुल दास, वीजी कन्नन, सुनील मेहता, संजीव चड्ढा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सुनील मेहता। सुनील मेहता जो है भारतीय बैंक एसोसिएशन के नए सीईओ बने हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सुनील मेहता। डिटेल्स की बात करें तो सुनील मेहता बनेंगे भारतीय बैंक एसोसिएशन के नए सीईओ। पंजाब नेशनल बैंक के प्रबंध निदेशक सुनील मेहता भारतीय बैंक एसोसिएशन के नए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बन गए हैं। इन्होंने वीजी कन्नन का स्थान लिया है और यह भारतीय बैंकों व वित्तीय संस्थानों का क्या है, समूह है। इसका उद्देश्य भारतीय बैंकिंग सेक्टर के साझेदारों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना है। परीक्षा की दृष्टि से बात करें हम तो भारतीय बैंक एसोसिएशन की स्थापना 26 सितंबर 1946 को की गई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। ये इसका डिटेल्स था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें जो कि सातवां क्वेश्चन है, देश की पहली सुपर फाइव लैब का शुभारंभ कहाँ हुआ है? वेयर इज द कंट्रीज फर्स्ट सुपर फाइव लैब बीन लॉन्च्ड? केरल, राजस्थान, ओडिशा, महाराष्ट्र। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, केरल में देश की पहली सुपर फाइव लैब का शुभारंभ किया गया, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। डिटेल्स की बात करें हम तो केरल में देश की पहली सुपर फाइव लैब का शुभारंभ हुआ और केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने कोची में देश की पहली सुपर फाइव लैब का उद्घाटन किया है। यह प्रयोगशाला फिजिकल और डिजिटल दुनिया के बीच अंतर को कम करेगी। फाइव लैब एक ऐसी प्रयोगशाला है जो पूरी तरह डिजिटल फैब्रिकेशन पर आधारित है। इसे आम भाषा में कैसे कुछ भी बनाया जा सकता है के रूप में परिभाषित किया गया है। अब बात करते हैं परीक्षा की दृष्टि से जो केरल की बात आई है, तो केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम, मुख्यमंत्री है पी विजयन और राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान। तो ये इसका डिटेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें, आठवां क्वेश्चन है आपके सामने, भारतीय रेलवे का 100% यानी 100% विद्युतीकरण कब तक हो जाएगा? By when 100% electrification of Indian Railway will take places? 2021 यानी 2021-22-23-24। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 2024 तक यानी 2024 तक जो है 100% विद्युतीकरण हो जाएगा भारतीय रेलवे का। डिटेल्स की बात करते हैं तो 2024 तक भारतीय रेलवे का 100% हो जाएगा विद्युतीकरण। वाणिज्य और उद्योग और रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारतीय रेलवे साल 2024 तक पूरी तरह विद्युतीकरण हो जाएगा और साल 2030 सरकार पूरे रेलवे नेटवर्क को शून्य उत्सर्जन वाला रेलवे नेटवर्क भी बन जाएगा। यह पूरी तरह से बिजली से चलने वाला दुनिया का पहला रेलवे नेटवर्क होगा। तो ये इसका डिटेल्स था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें जो कि 9 नंबर क्वेश्चन है, संशोधित नागरिकता कानून यानी CAA के विरुद्ध प्रस्ताव पारित करने वाला चौथा राज्य कौन सा बन गया है? विच इज द फोर्थ स्टेट टू पास अ रेजोल्यूशन अगेंस्ट द अमेंडमेंट सिटीजनशिप लॉ CAA? पहला ऑप्शन है केरल, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, पंजाब। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल जो है CAA कानून
के खिलाफ़ नागरिकता संशोधन, नागरिकता खिलाफ यानी संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ जो है चौथा राज्य बन गया है आपका पश्चिम बंगाल। अब इसके रिडल्स की बात करें तो पश्चिम बंगाल CAA के विरुद्ध प्रस्ताव पारित करने वाला चौथा राज्य बना। पश्चिम बंगाल विधानसभा ने संशोधित नागरिकता कानून CAA के खिलाफ प्रस्ताव को पारित कर दिया और ऐसा करने वाला यह चौथा राज्य बन गया है। इसी तरह के संकल्प पहले केरल में हुआ, फिर पंजाब में और उसके बाद राजस्थान में किए जा चुके हैं और ये अब चौथे नंबर पे पश्चिम बंगाल ने भी इसका खिलाफ कर दिया। पश्चिम बंगाल के अनुसार अधिनियम धर्म निरपेक्षता से जुड़ा नहीं है। परीक्षा की दृष्टि से बात करें तो पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता और मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, राज्यपाल है जगदीप धनकर। ये इसका डिटेल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें जो कि 10वां क्वेश्चन है, साइकिलिंग में बर्लिन के टूर्नामेंट में भारत के एसओ एल्बे ने कौन सा पदक जीता है? विच मेडल हैज इंडियाज एसओ एल्बे ओन इन द बर्लिन टूर्नामेंट इन साइकिलिंग? स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए स्वर्ण पदक यानी कि गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है। एसओ एल्बे ने, भारत के हैं एसओ एल्बे जिन्होंने साइकिलिंग में बर्लिन के जो टूर्नामेंट हो रहे हैं इसके साइकिलिंग में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, स्वर्ण पदक जीता है। डिटेल्स की बात करें तो साइकिलिंग में बर्लिन के टूर्नामेंट में भारत के एसओ एल्बे ने स्वर्ण पदक जीता। भारत के एसओ एल्बे ने 6 दिन तक चलने वाले बर्लिन टूर्नामेंट की किरीन व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक हासिल किया है और विश्व चैंपियनशिप 2017 में रजत पदक जीतने वाले चेक गणराज्य के थॉमस बाबेक दूसरे जबकि जर्मनी के मैक्स मिलियन लेव तीसरे स्थान पर रहे। तो ये इसका डिटेल्स है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के पास इसे ज़रूर शेयर करें और जो भी आपको सुझाव देना है आप कमेंट के माध्यम से हमें अपनी सुझाव दे सकते हैं। तो प्लीज़ आप इस एग्जाम ट्रेनर यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि जो भी वीडियो हम आपके लिए अपलोड करें आपको इसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ऑल दी बेस्ट।